जाती है दैट आपका डिसीजन सही टाइम पे आपने कोई चीज नहीं करी तो बस वो गलत हो ही जाती है. एंड वो सब चीज यहाँ पे टीएसएम बखूबी जानती है. टीएसएम की बात करें, कौशिक मलिक, ओल्ड मॉन्क, मिस्टर चे एंड इनसेन खेलते नजर आ रहे हैं. इनके पास जो एरिया है ये होने वाला है ओल्ड हैम्पटन का. थोड़ा सा स्प्लिट नजर जरूर आ रहे हैं बट लूट इंपॉर्टेंट है एट द एंड. आप जितना स्प्लिट हो गए उतना आपको ज्यादा जल्दी लूट मिलेगी. एग्जैक्टली, एरिया चाहे कुछ भी हो एरो भाई, बट टीएसएम के पास मोमेंटम जरूर से है. हाँ. एंड वो चीज का वो फायदा बखूबी उठाना चाहते हैं एज प्लेयर्स, चाहे ओल्ड मॉन्क हो, चाहे वो चय हो, चाहे इनसेन हो. क्योंकि देखिए चारों के चारों प्लेयर्स शायद बहुत ज्यादा सालों से एक साथ नहीं खेलते हुए आ रहे हैं. हाँ. रिसेंटली फॉर्म हुई है ये टीम एंड आई थिंक 2021 के एंड वक्त पे जाके इनका सिंक्रोनाइजेशन बैठा है. क्योंकि आप देखिए इस टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं illuminati.f नाम के जो अभी बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको भी हम परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं इस टीम के साथ. बट आई थिंक अब इस टीम के मेंटर या फिर कम एनालिस्ट बन चुके हैं जो इस टीम के एज बैकअप ऑप्शन है. बट वो एक ऐसा दिमाग है जो जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है. हाँ. जैसा राजे ठाकुर को हम कहते हैं ठीक वैसा ही इल्यूमिनाटी है. उनको पता है कि अपने टीम को कैसे गाइड करना है. बट अभी इन गेम में क्या ओल्ड मॉन्क लीड कर रहे हैं, क्या जय वाइटी लीड कर रहे हैं, देखना चाहता हूं. बट क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि जय को आप अगर खुली छूट देते हो उससे डेंजरस प्लेयर नहीं है अभी इंडियन सेक्टर में. एंड क्योंकि उनका 2021 का सेकंड हाफ अच्छा नहीं गया था इसलिए बहुत ज्यादा लोग उन्हें अंडररेट करना शुरू कर चुके थे. बट अब एक सही मौका है उनके पास रिडीम करने का अपने आपको. वेल देखिए बिल्कुल सही का मैं 100% सहमत हूं आपके हर एक बात से. एंड देखिए एक चीज यहाँ पे हर एक टीम को समझना पड़ेगा दैट आपको ना टॉप फोर में आना है और 12 मैचेस हैं. ऐसा नहीं है कि आप बाद में कमबैक आसानी से कर लोगे. आप टॉप सिक्स में कमबैक कर सकते हो लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब टॉप फोर की बात होती है ना वहाँ पे कमबैक करना थोड़ा मुश्किल है. इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होगी. जैसे यहाँ पे ओजी मेंटेन करके रखी है, जैसे यहाँ पे एरो स्पोर्ट्स मेंटेन करके रखी है, जैसे कैमिन स्पोर्ट्स खेल रही है, इसी तरीके से आपको हर एक गेम में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा. बात करें फिलहाल मैप की, देखिए वीआरसी 1000 अपनी टीम बीएफए के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं स्टोन क्रशर्स की तरफ. एग्जैक्टली, आप देखिए टीसी टाइकून सेंटर में बैठे हुए, सेंटर कटरीना का ड्रॉप होता है टोटल गेमिंग के प्लेयर्स का. ये जो फाइट हम देखना चाहते थे दो टीजी की टीमों के बीच, टोटल गेमिंग वर्सेस टाइकून्स, क्या वो घड़ी, क्या वो वक्त आ चुका है. बट अभी के लिए थोड़ा सा ठहर जाना पड़ेगा हमें क्योंकि वो दोनों टीम डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं. टाइकून्स को पता नहीं कि वहां पर टीजी के प्लेयर्स आ चुके हैं. अब टीजी को भी पता नहीं टाइकून्स वहां से निकल चुके हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. कमांड पोस्ट का एरिया क्यों हड़प नहीं कोशिश कर रहे क्योंकि वो सेंटर लग रहा है. अब हमें पता है कैमरन स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है वो अंत तक नहीं छोड़ने वाले हैं रिफाइनरी. उनका वो ड्रॉप स्पॉट है, उनका वो कंफर्टेबल स्पॉट. बट अवनीत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पॉट कर सकते हैं टीजी माफिया का पोजीशनिंग. वेल एग्जैक्टली, देखिए ये जो वॉच टावर्स रहते हैं इनका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड देखिए यहाँ पे टीजी की टीम ने बिल्कुल एज को पकड़ा है, वो जोन के अंदर नहीं जा रहे. फौजी अजय यहाँ पे होने वाले हैं एंड फौजी अजय को पता है किस तरीके से यू नो उनको खेलना है, किस तरीके से अपनी टीम को लीड करना है. टाइकून्स की बात करें उनके पास अलग यहाँ पे कंपाउंड होने वाले हैं. दोनों ही टीम अपनी होल्डिंग पोजीशन से बैठी नजर आ रही है. वो फाइट हमें नहीं देखने को मिलेगी फिलहाल के लिए लेकिन टीएसएम वर्सेस देसी गेमर में भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाए. एग्जैक्टली, आई थिंक फौजी भाई को पता लगा, फौजी भाई तो हम बोलते नहीं, हम हमारी जनता जो है फौजी भाई बोलते. बट एनीवेज हम फौजी भाई ही बोलेंगे उनको अभी के लिए. एंड सब चैट में आई थिंक यहाँ पे लिख रहे कि हैवी ड्राइवर इज बैक. अब उनको पता है कि मेरी टीम को मुझे अगर जरूरत है तो मुझे आना पड़ेगा. वो इस टीम के एक थिंकिंग आईजीएल है. एंड फिर से अगेन बेस्ट आईजीएल ऑफ द ईयर 2021 फौजी भाई को ही मिला है. एंड आई थिंक आई डाउट कि कोई भी यहाँ पे वो उस पर क्वेश्चन करने वाले कि उन्होंने उनके पास उतना एक्सपीरियंस अनुभव है. अनुभव में अमीर अगेन कहना पड़ेगा. एंड आई फील उनमें वो क्षमता है अपनी टीम को टॉप फोर में आने की. अब वो आ चुके हैं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच जरूर से देखने को मिलेगा आपको एरो. बट टीएसएम आई थिंक फोर्ज की तरफ, फोर्ज एक्चुअली फाउंडेशन की तरफ, फोर्ज परगेटरी में निकल नहीं सकते. देखिए बिल्कुल सही चीज कही थी आपने कि शक्ति बल ही सब कुछ नहीं होता है, मनोबल जो है, आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वही चीज यहाँ पे टीसी के साथ था दैट कि उनको वो दिमाग की जरूरत थी, वो आईक्यू की जरूरत थी, वो मिलती है उनको फौजी अजय के साथ, इसीलिए वो शायद रिप्लेसमेंट वहाँ पे हमको देखने को मिला. बट फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पे ड्रोन व्यू तो एक चीज हम देख सकते हैं दैट टीसी के पास एक अच्छा एरिया है, बीच में फंसी नजर आ रही है यहाँ पे हेल्पिंग गेमर, क्योंकि एक तरफ से उनको शॉट डाउन करेगी ऑरा गेमिंग और दूसरी तरफ से करेगी टीसी. बीच में उनके पास ज्यादा परमानेंट कवर नहीं है, मैं जितना देख पा रहा हूँ कुछ कंटेनर्स हैं, कुछ यहाँ पे जो हमारे स्टोन्स होते हैं वो है, इसके अलावा उनके पास ज्यादा एरिया नहीं है. तो ऑफ एंगल निकाल के उनको हिट करना काफी आसान हो जाएगा टीम्स के लिए.
देखिए अभी हेल्पिंग गेमर के सामने टोटल गेमिंग की टीम है एंड देखिए फौजी भाई ने किसको रिप्लेस किया है, रोहित को। देखिए रोहित ड्रेगो शायद इस टूर्नामेंट में आपको खेलते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, जनता के लिए मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, वो आपको नेपाल की टीम टू बी गेमर में देखते हुए देखने को मिलेंगे एंड इसके अगले टूर्नामेंट जो भी होंगे तो वहां पे आपको ड्रेगो खेलते हुए देखेंगे टीजी की टीम में। बट फौजी भाई ने रोहित को इसीलिए यहां पे रिप्लेस किया, एक तो आईजीएल का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है एंड आई थिंक ये लाइनअप माफिया वाला डिलीट माफिया एंड फौजी ये बहुत दिनों से खेलते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है इनके पास, इन्होंने एक साथ काफी सारे टूर्नामेंट्स में खेला है, जीत हासिल किया है एंड कॉन्फिडेंस इसी लाइनअप में, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टीजी की टीम अगर कोई भी बड़े टूर्नामेंट में कोई भी बड़ी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही लाइन आपको पहले खेलते हुए देखने को मिलेगी यार भाई। वेल एग्जैक्टली देखिए अर्पित को मैं देख पा रहा हूं कि अभी यहां पे ना टीम जो है वो बस मौका ढूंढ रही, क्या उनको आगे जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, ये जो सोच में आप जब कभी कभी पड़ जाते हो उसी में कभी कभी देर हो जाती है क्योंकि ऑरा गेमिंग का अगर पीछे से रश आता है देन थोड़ा मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी एंड हालांकि देखिए दो कंटेनर्स के बीच में उन्होंने कवर तो लेके रखा है लेकिन उनको स्पॉट किया जाएगा, जब नीड्स आएंगे तो उनके पास भागने के लिए कोई एरिया नहीं होगा, अगर आप कवर से बाहर निकलते हो तो टीजी आपको मनीष करेगी। लेकिन यहाँ पे यूएवी आके जा रहा है, जिस स्पीड से यूएवी निकला है खबर तो मिल गई है वीआरसी की टीम यानी बीएफए जो है ब्लैक फ्लैग आर्मी वो पीछे से आ रही है एंड ऑरा गेमिंग को उसकी नोटिफिकेशन मिल गई है कि भाई देखो स्ट्रिंग से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है ना वैसे ही यूएवी ने एक मैसेज भेज दिया डैट पीछे से टीम आ रही है उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। देखने का नजरिया बदल दिया आपने अरे भाई, एनीवे टोटल गेमिंग की टीम को हम देख पा रहे हैं कमांड पोस्ट पे होल्ड कर रहे थे, कमांड पोस्ट उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है, सर्कल हमने ऑलरेडी देखा है कि हमें पता है कालाहारी में तीन जगह पे बहुत ज्यादा बनता है, ऑलरेडी डिलीट ने प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर लिया है, सामने हेल्पिंग गेमर्स के प्लेयर्स हैं एंड वो हेल्पिंग गेमर्स पे कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटी व्हिच इज टीम टाइकून जो बहुत देर से कमांड पोस्ट पे ही उनका ड्रॉप स्पॉट था वहीं पे होल्ड कर रहे हैं। अब बारी ये आती है कि सर्कल कहाँ पे शिफ्ट आउट कर रहा है क्योंकि अब कमांड पोस्ट और रिफाइनरी के आसपास ही सर्कल आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि कमांड पोस्ट पे ही बनने वाला है, इसीलिए टाइकून्स एंड टीजी दोनों चिपक के बैठे हुए वहां से हिलना नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे बार बार कैमरा जा रहा है हेल्पिंग गेमर क्योंकि वो फाइट कभी भी शुरू हो सकती है, अगर हेल्पिंग गेमर के पास यहाँ पे एयर ड्रॉप्स आ जाती है तो मैं कहूंगा उनकी ये होल्डिंग पोजीशन ठीक हो जाएगी क्योंकि वो राइट साइड से भी खुद को कवर कर पाएंगे, कोई भी ऑफ एंगल में जाके उनको टेक डाउन नहीं कर पाएगा, बट उसके लिए अभी वक्त है, तब तक उनको सर्वाइव करना होगा। यूजी वर्सेस एरो ईस्पोर्ट देखने को मिल रहा है, वहां पे कसारा को रोशन नॉक करेंगे, एरो ईस्पोर्ट क्या इस बार यहां पे कुछ धमाल करने वाली है फिर यूजी उनको रोक देगी, यूजी आर द ओल्ड गैंगस्टर्स कमाल का खेलते हैं, जाओ बॉय को भी पिन डाउन किया है, शिनू कमाल का कर्व फायर देते हैं स्नाइपिंग करते हैं लेकिन यहां पे प्रिंस ओ माय गॉड हो प्रिंस ने क्या एंट्री मारी, यहां पे खत्म करेंगे शिनू को, इसे कहते हैं प्रॉपर हैवी ड्राइवर, मीटा एबिलिटी का बखूबी यूज किया गया लेकिन उनको भी टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्या प्रिंस भाग के निकल पाएंगे क्योंकि अगर शॉट कनेक्ट होते 63 के एचपी बहुत ज्यादा नहीं होती है और एग्जैक्टली देखिए ट्रेनिंग शायद फौजी भाई से मिला क्योंकि ये भी एक्स टोटल गेमिंग के ही प्लेयर है, अरे भाई जावा बॉय एंड प्रिंस दोनों टोटल गेमिंग के प्लेयर्स रह चुके हैं बट एनीवेज क्रेडिट उनको ही देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक शानदार चीज यहां पे किया है, बट ऊपर देखिए टीजी की टीम ओजी की टीम के साथ फाइट कर रहे हैं, वेयर इज दैट हैपनिंग क्योंकि वो क्लैश ऑफ टाइटंस है और एंगो टैंगली वर्सेस टोटल गेमिंग एंड ये दोनों टीम जब आमने सामने फिरते हैं पूरा लॉबी हिल जाता है यहां पे, अरे भाई ये तो मानना ही पड़ेगा। देखिए एग्जैक्टली एंड आई थिंक यहां पे लॉन्ग रेंज पे किल्स निकाली गई क्योंकि आसपास मुझे मिनी मैप पे नहीं नजर आ रही थी बट यहां पे वो जी लीड खत्म हो जाएगी एंड ये अंत किया जाएगा एसी के द्वारा, तो ऐसा हो गया कि एक तरफ वहां पे टीजी ने उनको किया पूरी तरीके से कमजोर एंड बची कुछ कसर वहां पे एजी ने पूरी करी, ऑरा गेमिंग ने प्रिंस अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, ओ माय गॉड रुकने का नाम नहीं ले रहे, जावा बॉय पीछे से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंस इज अ मास्टरपीस, हमने इनको देखा है कई गेम्स में किस तरीके से गाड़ी से उड़ाते, ओ माय गॉड प्रिंस ने यहां पे आर्नेस को भी एलिमिनेट कर दिया है, प्रभ आगे जाएंगे प्रिंस को यहां पे खुद को हील करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे से जो कवर फायर है ये भी देखे किस तरीके से देखने को मिल रहा है, जावा बॉय की तरफ से गलती की जाएगी तो पनिशमेंट मिलती की ही मिलेगी। एग्जैक्टली यहां पे रोशन के ऊपर गाड़ी थमाया गया बट नहीं, रोशन ने काउंटर अटैक कर दिया है, प्रभ ने यहां पे प्रिंस को कर दिया है टेक डाउन, बट अभी के लिए देखे एरो ईस्पोर्ट के दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, ग्रेनेड को कर रहे हैं जावा बॉय इज अ लोन प्लेयर स्टैंडिंग इन सिचुएशन में, क्या स्किल सिक्योर करना बहुत जरूरी है, स्मार्ट वेरी स्मार्ट रोशन ने अपना किल सिक्योर कर दिया, अब रोशन को लग रहा है प्लेयर ऊपर नहीं प्लेयर नीचे है, प्लेयर को स्पॉट किया है, अब एक पकड़ा पकड़ा का खेल बन चुका है, छुए बिल्ली का खेल गाइस से खत्म करके प्रॉप ने यहां पे एक चीज तो बोल दिया है कि एरो ईस्पोर्ट्स को इतनी आसानी से तो आप एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पहले मैच में बुरा निकाला है और हम अभी भी चाहते हैं वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप के टॉप 4 में एंट्री मारना है भाई। देखिए बिल्कुल हर एक टीम यहां पे चाहती है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है अपने देश को रिप्रेजेंट करना, वो जो छाती पे इंडिया का फ्लैग लेके हम जब खड़े होते हैं ना तो एक अलग प्राउड फील आता है, वो इमोशंस हमारे जुड़े हैं हमारे देश के साथ डेफिनेटली, लेकिन यहां पे मैं कहूंगा प्रिंस की तारीफ जितनी करूं
इतनी कम है बिकॉज जिस अंदाज में गाड़ी का यूज किया था मौका नहीं दे रहे थे, गाड़ी से पहले स्ट्राइक कर रहे हैं, उतरते साथ चीनू को कितनी तेज उन्होंने टेक डाउन किया, कमाल का गेम वहां पे प्रिंस की तरफ से देखने को मिला। लेकिन जिस अंदाज में वहां पे फिनिश ऑफ किया गया एरो स्पोर्ट की तरफ से वो भी काबिले तारीफ था। यहाँ पे जैदू और डीआरसी में भी लॉन्च पैड का यूज करके आ जाएंगे सेंटर में एंड उनका मुकाबला होगा डीजी के बचे प्लेयर से जो कि होने वाला ब्लैक टाइगर और इंसिन कॉस्मिक, बहुत करीब है डीजी के प्लेयर्स के। बट टीएसएम भी वहां पे आ रही है, टीएसएम की एंट्री पूरा पूरा माहौल चेंज कर देगी। इंसेन ब्लैक टाइगर अभी भी यहाँ पे टिके हुए हैं, उनके सामने होने वाले हैं डॉक्टर कॉस्मिक, क्या उनको स्पॉट किया जाए क्योंकि टीएसएम तो बेखौफ रखती नजर आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंसेन की तरफ से शॉट जाएंगे, क्या प्लेयर्स को नॉक कर पाएंगे ओल्ड मॉन्क को, यहाँ पे इसका लायबिलिटी से ओपन कर दिया लेकिन नहीं, यहाँ पे शॉट लिया जाएगा वो भी नॉक हो जाएंगे। तीसरी गेम भारी मुसीबत है, एक्जैक्टली भारी मुसीबत है, क्योंकि 2v4 का सिचुएशन है, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला वीक होगा। देसी गेमर्स को यहाँ पे आराम से, बड़े ही आराम से एलिमिनेट किया गया है टीएसएम के द्वारा। टीएसएम तो अलग ही मोमेंटम के साथ चल रही है यारो भाई, बट मोमेंटम अभी टोटल गेमिंग को मिल चुका है क्योंकि वहां पे फौजी भाई नाम का एक खिलाड़ी आ चुके हैं जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है एंड वो एक के बाद एक अपने टीम को किल्स दिलाने में, यू नो, इंपॉर्टेंस दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। बट अभी ऑरा गेमिंग के पास भी अच्छा खासा पोजीशनिंग है, बट रोशन एंड प्रॉप ये दो प्लेयर्स निकलना पड़ेगा इनको, बट नहीं, यहां पे रोनी नेगी टेक डाउन करेंगे रोशन को, उनको खत्म करते जा चुके हैं। प्रॉप अभी फंस चुके सामने कैबिन स्पोर्ट के, आनंद की पूरी टीम फंस चुके 13 HP पे, उनको हील अप करना पड़ेगा, बहुत कुछ मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। मुसीबत बढ़ गई है, एक प्लेयर को उन्होंने खो दिया है, दूसरी तरफ वहां पे बीएफए के प्लेयर भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्टोन क्रशर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कंसर्न था स्टोन क्रशर्स के दैट कि वो बाहर से आ रहे थे एंड उनको गेटकीप किया गया और एलिमिनेट किया गया। एग्जैक्टली ये फाइट में देखिए टीएसएम जिंदा है, टोटल गेमिंग जिंदा है, ऑरा गेमिंग जिंदा है, केमिन ईस्पोर्ट्स जिंदा है, 8 teams है और ये देखिए पांचवा सर्कल बनने वाला है, प्रॉप को यहां पे खत्म किया जाएगा, बट वो सर्कल को किल मिला टोटल गेमिंग को नहीं, 7 kills पे है ऑरा गेमिंग की टीम, सामने है टीएसएम, कौन किसको मार रहा है आप देखिए, डिलीट वहां पे किल निकाल रहे, विजिट को डिसम कर रहे हैं। टोटल गेमिंग के लिए ये वही मैच है जिसमें वो कमबैक कर सकते हैं यहां पे आरो भाई, बट अभी के लिए देखिए टीएसएम छुप के बैठी हुई है, वो अपने आप को लोकी मान रहे हैं, बट पीछे पीछे देखिए टोटल गेमिंग की टीम उनको पहुंचा सकते हैं पुश के। एग्जैक्टली देखिए यहां पे इस ऑफ एंगल का यूज किया जा रहा है, किस तरीके से पीक करते नजारे ऑरा गेमिंग की टीम, बट अर्पित अभी भी उसी पोजीशन पे, क्या ही जोन प्रिडिक्शन किया यहां पे हेल्पिंग गेमर ने, स्टार्टिंग से एंड तक वहीं पे होल्ड करके रखे हुए, कैमिन स्पोर्ट एलिमिनेट हो जाएगी, वहां पे देखा जाए तो हेल्पिंग गेमर के मल्दी नॉक हो गए, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पीछे से मैं जो बात कर रहा था नेट से आपको इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अमन स्ट्राइपिंग करते नजर आ रहे और नॉक भी निकाला उन्होंने, फिर से यहाँ पे शॉट कनेक्ट करेंगे, मे बी कौशिक मलिक को ये शॉट कनेक्ट हो जाए लेकिन नहीं नहीं कनेक्ट होगा, दो शॉट उन्होंने मिस जरूर किए, लेकिन तीसरा शॉट ये कनेक्ट हुआ तो टीम एलिमिनेट होगी, टीएसएम पांचवें पायदान पे एलिमिनेट हो जाएगी। हाथों में हमाल्दी के नेट और हेल्पिंग गेमर वो आपसी कर रही है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हम बात करें हेल्पिंग गेमर की या बात करें टोटल गेमिंग की, इस मैच में उनको आगे आना होगा, बहुत ही अच्छे अभी भी बचे नजर आ रहे हैं, टीम तो आगे बढ़ती नजर आ रही है। टीजी टाइकून विद 4 men अलाइव क्या करेगी यहाँ पे, टीजी वर्सेस टीजी होता हमको देख सकता है। एग्जैक्टली टीजी टाइकून टोटल गेमिंग यहाँ पे आपको एरो ईस्पोर्ट्स पे, एरो ईस्पोर्ट्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, टाइकून यहाँ पे ऑरा गेमिंग को एलिमिनेट करेंगे, टीजी की टीम भी जिंदा है, 3 teams है यहाँ पे, टाइकून हेल्पिंग गेमर टोटल गेमिंग, स्काइलर यहाँ पे हटाया गया है, माफिया वाला एक्सपोज करेंगे, माफिया वाला खत्म करेंगे, माफिया वहां पे किल निकाले स्नाइपर के साथ, टोटल गेमिंग वर्सेस यहाँ पे टीजी टोटल गेमिंग वर्सेस टीजी टाइकून, को नॉक कर दिया गया, 7 kills यहाँ पे लेके गए, 17 kills के साथ टोटल गेमिंग ने कर दी है वापसी, लिख दिया है फिर से दैट वी केम बैक। अभी तक थोड़ा सा हम जगमगाए थे लेकिन कदम अब जब चलना शुरू करेंगे तो चलेंगे नहीं दौड़ेंगे, टोटल गेमिंग तरफ से बुया हमको देखने को मिला टोटल 17 kills के साथ, और एग्जैक्टली फौजी भाई की वापसी, बुया की वापसी, टोटल गेमिंग की वापसी, इसीलिए हम कहते हैं कमबैक किंग्स एंड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड इसीलिए उनको मिला है। एंड आई थिंक जो भी लोग चैट में बोल रहे थे कि क्या वो अभी भी कमबैक कर सकते हैं, जी हां, आपके सामने उन्होंने परफॉर्म